हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी इन हिंदी में आपका स्वागत है। कैसी रही आप लोगों की होली? बहुत ही अच्छी रही होगी। तो होली तो अब मन गई, बट आप उसी तरीके से अब फिर से प्रिपरेशन में लग जाए। जी हाँ, मैं आप लोगों के साथ उसी प्रकार से लग गया हूँ। और आज का जो मेरा वीडियो है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मेरा जो आज का वीडियो है ये डिफेंस से संबंधित है। जी हाँ, डिफेंस से संबंधित है। इसके अंतर्गत मैं आप लोगों को सारी न्यूज दूंगा डिफेंस से संबंधित, मींस कौन कौन से आप लोगों के एग्जाम के एडमिट कार्ड आए हैं। जी हाँ, कौन कौन से आप लोग के एग्जाम होने वाले हैं, किसके एडमिट कार्ड आए हैं, किसके एडमिट कार्ड आने वाले हैं, और इसके अलावा कौन सी वैकेंसियां चल रही हैं। जी हाँ, इस वक्त तत्काल में करंट में कौन सी वैकेंसियां चल रही हैं, आप लोगों ने किसके फॉर्म भरे हैं, किसके फॉर्म नहीं भरे हैं, और भी इसके अलावा बहुत से न्यूज, जैसे कि कौन सी ऐसी वैकेंसियां हैं जो आप लोगों को डिस्टर्ब कर रही हैं। जी हाँ, यूट्यूब पे आप लोग सर्च कर करके परेशान हो गए हैं, सर ये वैकेंसी आई हुई है, ये वैकेंसी नहीं आई हुई है। तो ऐसी कुछ वैकेंसियों के बारे में मैं आप लोग को जानकारी दूंगा, जिससे कि आप लोग काफी दिनों से परेशान है और आप लोग के मैसेज मेरे को आ रहे थे। जी हाँ, चाहे वो BRO से संबंधित हो, चाहे वो BSF से संबंधित हो, सारी न्यूज मैं आप लोग को अपने इस वीडियो में देने वाला हूँ। कौन सी वैकेंसी चल रही है, कौन सी वैकेंसी नहीं चल रही है, और कौन सी आने वाली है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, किसके एग्जाम आप लोग के होने वाले। जी हाँ, कौन से एग्जाम होने वाले हैं, किसके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग के जो एडमिट कार्ड आए हुए BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। जी हाँ, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में आप लोगों की जो है सिक्योरिटी गार्ड के जो एडमिट कार्ड आ चुके हैं। यदि आप लोगों को नहीं पता तो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इसके जो एग्जाम होने वाले हैं ये आप लोग के 19 तारीख से, जी हाँ 19 मार्च से इसके एग्जाम होने वाले हैं, जो कि अप्रैल मध्य तक इसके एग्जाम चलेंगे। जी हाँ, तो यदि आप लोगों ने इसके एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड कर लीजिए। ये जो एग्जाम है आप लोग का फिजिकल का एग्जाम होने वाला है। जी हाँ, फिजिकल का एग्जाम है इसमें, जिसमें कि आप लोगों का जो भी आप लोग की PST होगी, जी ठीक है, हाइट वगैरह, चेस्ट वगैरह, और इसके अलावा जो मेन चीज है वो सिट अप, पुल अप्स और कुछ इसमें और चीजें हैं, ठीक है। इसके ऊपर बकायदा मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा, ठीक है। कितने सिटअप किसको करने हैं, कितने पुल अप्स किसको करने हैं, ये सारी जानकारी मैंने अपनी वीडियो में दे रखे हैं। तो फिजिकल का आप लोगों का टेस्ट है जो कि 19 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। तो यदि आप लोगों का भी 19 मार्च से इसका एग्जाम आ चुका है, आप लोगों के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आप लोगों से मैं संपर्क में रहूं और आप लोगों के एग्जाम में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसकी पूरी जानकारी मैं आप लोगों को देता रहूं। तो आपका जो है बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का फिजिकल का एडमिट कार्ड आ गया। अब जो नेक्स्ट है वो है आप लोग का दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड। जी हाँ, दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड में आप लोग की वाइल्ड लाइफ गार्ड और आप लोगों के जो है फॉरेस्ट रेंजर की आप लोगों के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। जी हाँ, एडमिट कार्ड आ चुके हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो इसे डाउनलोड कर लीजिए। इसकी जो एग्जाम है वो 15 से 16 मार्च के बीच में होने वाले हैं। जी हाँ, 15-16 मार्च को इसके एग्जाम होने वाले हैं, लेकिन अभी सिक्योरिटी गार्ड के एडमिट कार्ड नहीं आए। जी हाँ, दिल्ली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सिक्योरिटी गार्ड के अभी जो है आप लोग के एडमिट कार्ड नहीं आए हैं, और ये एडमिट कार्ड कब आने वाले हैं इसकी भी काफी कमेंट्स मेरे वीडियोस में आते हैं। तो मैं आप लोग को बता दूं, इसका जो एडमिट कार्ड है ये मार्च लास्ट में आप लोग को इसका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। जी हाँ, ये कंफर्म मान के चलिए कि इसके एडमिट कार्ड आप लोग को मार्च लास्ट में जरूर मिल जाएंगे। अगर कुछ देरी होती भी है तो अप्रैल स्टार्टिंग में आप लोगों को इसके एडमिट कार्ड मिल जाएंगे। तो अभी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बट वाइल्ड लाइफ और जो फॉरेस्ट रेंजर की जो एडमिट कार्ड आ चुके हैं आप लोगों ने निकाल के और अपने रिटर्न की तैयारी में लग जाए। रिटर्न के क्या सिलेबस है इसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, आप उन वीडियोस को दे सकते हैं और अच्छे से एग्जाम दीजिए। और यदि आप लोगों के भी एग्जाम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मैं आप लोगों से संपर्क में रह सकूं। जी हाँ, और इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है आप लोग का CISF ट्रेड्समैन। जी हाँ, CISF ट्रेड्समैन, इसके एडमिट कार्ड आप लोगों के घर पे पहुंच चुके। बहुत लोगों में इसमें इस न्यूज ने उथल पुथल सी मचा रखी है, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसकी डिटेल देता हूँ। CISF ट्रेड्समैन 914 वैकेंसी जो आप लोगों ने भरी थी, जी हाँ, जिसके की फिजिकल ट्रेड टेस्ट हो चुके थे, बट कुछ लोगों को जो है इसके दोबारा से री एडमिट कार्ड आए हैं जिनके की एग्जाम 12 मार्च में, जी हाँ 12 मार्च में इनके सेंटर पड़े हुए आप लोग के हरिद्वार, और भी इसके अलावा भी कुछ डेट्स में एग्जाम है, ठीक है।
तो ये जो एडमिट कार्ड आए हैं, मैं आप लोग को एक बार फिर से कंफर्म कर दूं, ये एडमिट कार्ड उन्हीं लोगों के आए हैं जिन्होंने कि जब भी इनके एग्जाम हुए हैं, ठीक है, जब भी इनके एग्जाम हुए हैं, इन्हें जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से निकाल दिया गया। जी हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से निकाल दिया गया, लेकिन इन्होंने अपना फिजिकल दे दिया। फिजिकल देने के बाद इन लोगों को जो भी अपना डॉक्यूमेंट्स है उसकी वजह से इन्हें बाहर कर दिया गया, और फिजिकल इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, तो इनके ऊपर दोबारा से ऑफिसरों ने सुनवाई करते हुए, इनके ऊपर ध्यान देते हुए दोबारा से इनको री एडमिट कार्ड जारी किया है। 12 तारीख से इनके जो है ट्रेड टेस्ट है, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ट्रेड टेस्ट है। तो और इसके अलावा किसी और को जो है ये एडमिट कार्ड नहीं दिए गए, चाहे आप लोगों ने ट्रेड टेस्ट क्लियर कर लिया हो या फिर आप लोग ट्रेड टेस्ट में फेल हो गए हो, ठीक है। तो आप लोग भी, यदि आप लोग के भी एडमिट कार्ड आए हैं, तो आप लोग भी नीचे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के साथ संपर्क में रह सकूं और आप लोगों के साथ क्या हुआ, कैसे हो रहा है उसकी पूरी जानकारी मैं सभी लोगों को दे सकूं। और इसके बाद जो न्यू है वो है आप लोग का इंडियन एयरफोर्स। जी हाँ, इंडियन एयरफोर्स XY ग्रुप 1 2021, इसके भी एडमिट कार्ड आ चुके हैं, जो कि आप लोगों के 19 से 23 के बीच में आप लोग के इसके एग्जाम होने वाले हैं। तो यदि आप लोगों ने भी इंडियन एयरफोर्स XY ग्रुप एयरमैन की 1 2021 के लिए अप्लाई किया था, तो आप लोग भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, 19 से 23 के बीच में आप लोग के एग्जाम होने वाले हैं। और इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है आप लोग का ट्रेड्समैन। जी हाँ, ITBP ट्रेड्समैन कॉन्स्टेबल 2017। जी हाँ, ITBP ट्रेड्समैन 2017, इसके भी रिटर्न एग्जाम के जो है एडमिट कार्ड आ चुके हैं, और जो आप लोग का ये एग्जाम होने वाला है ये 22 मार्च को। जी हाँ, 22 मार्च को आपको इसका एग्जाम होने वाला है। यदि आप लोगों को नहीं पता तो इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि काफी पहले से ये, मतलब आप लोगों ने काफी पहले से इसके लिए वेट कर रहे हैं। 2017 की वैकेंसी है, आज 2020 आ चुकी, तो जल्द से जल्द इसे आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, पता लगा कि ये मौका भी आप लोगों के हाथ से चला जाए, ठीक है। और इसके बाद कुछ चीजें हैं, जैसे कि आप लोगों को बहुत ज्यादा बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर CISF ट्रेड्समैन के रिटर्न एग्जाम कब होने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, रिटर्न एग्जाम के जो एडमिट कार्ड है वो आप लोगों के अप्रैल, जी हाँ, अप्रैल लास्ट में, नहीं तो मई स्टार्टिंग में आप लोग के इसके भी एडमिट कार्ड आ जाएंगे रिटर्न के, ठीक है। क्योंकि आप लोग के जो फिजिकल है, बहुत से बच्चों के जो ट्रेड टेस्ट है, ठीक है, ट्रेड टेस्ट और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोगों को जैसे पता चला है मार्च में हो रहे हैं, ठीक है, मार्च में हो रहे हैं, तो इसमें आप लोग के एडमिट कार्ड आने से रहे अप्रैल लास्ट तक, हो सकता है नहीं तो मई में आप लोग के जो है इसके एडमिट कार्ड देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें जो है प्रोसेस बहुत तेजी से चल रहा है। इसके अंतर्गत मैं आप लोगों को बता दूं, वैकेंसियां बढ़ाई गई हैं। जी हाँ, वैकेंसियां बढ़ाई गई हैं, इसीलिए ये इस प्रकार का निर्णय लिया गया, नहीं तो इस प्रकार के निर्णय नहीं लिए जाते। जी हाँ, इस प्रकार के निर्णय नहीं लिए जाते, इसमें वैकेंसियां बढ़ाई गई हैं, उसी लिए दोबारा से एडमिट कार्ड इशू हुए हैं और दोबारा से आप लोग के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ट्रेड टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो अप्रैल लास्ट नहीं तो आप लोग के मई स्टार्टिंग में इसके रिटर्न के एडमिट कार्ड भी आप लोग के आ जाएंगे, रिटर्न की प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम हो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछते रहिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट और लास्ट जो है वो आप लोग का CISF हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्टर। जी हाँ, बहुत से बच्चे इसके लिए परेशान है, बहुत इसके भी मैसेज आते हैं, तो मैं आप लोग को बता दूं, इसे आप लोग के एडमिट कार्ड आने वाले हैं नेक्स्ट मंथ, मैंने आप लोगों से बोल दिया है तो आने ही आने, ठीक है। आप मान के चलिए कि 26 तारीख तक आप लोगों के एडमिट कार्ड आ जाएंगे, ठीक है, 26 अप्रैल तक। तो ये आप लोग के हो गए एडमिट कार्ड के, आप लोगों किसका एग्जाम है, किसका एग्जाम होने वाला, ठीक है। यदि आप लोग के भी एग्जाम होने वाले तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों से जुड़ा लूं। बट अभी जो नेक्स्ट आता है वो आती है, बारी आती है आप लोगों की कि कौन से जो है अभी वैकेंसियां निकली हुई हैं करंट में और कौन सी वैकेंसियां चल रही हैं ओनली और ओनली डिफेंस से संबंधित। जी हाँ, ठीक है, इसकी पूरी जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि करंट में जो सबसे धमाकेदार वैकेंसी चल रही है वो है आप लोगों की BSF की। जी हाँ, BSF सब इंस्पेक्टर, BSF हेड कॉन्स्टेबल, BSF सिटी क्रू। जी हाँ, जिसके की बारे में मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी आप लोग को बताया था, इसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाया हुआ है, तो यदि आप लोग उसके बारे में नहीं पता हो तो उसकी डिटेल ले लीजिएगा। BSF सब इंस्पेक्टर, इसके अंतर्गत जो है आप लोगों की जो 12+ एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। जी हाँ, और इसके अलावा यदि आप लोग हेड कॉन्स्टेबल के लिए भर रहे हैं तो उसमें आप लोगों के लिए वर्कशॉप के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग के पास ITI जरूर होनी चाहिए, 10+ ITI, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें ओनली और ओनली 12th और ओनली और ओनली 10th पास बच्चे इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ आप लोगों के पास एक्स्ट्रा होना चाहिए, चाहे आप लोग के पास एक्सपीरियंस हो या फिर आप लोगों ने कोई
कोर्स कर रखा हो या फिर आप लोगों ने आईटीआई कर रखा हो, ठीक है, 10 प्लस आईटीआई वर्कशॉप, हेड कांस्टेबल वर्कशॉप के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो सिटी क्रू है, इसमें भी आप लोग का जो है एक साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। जी हाँ, 10th प्लस आप लोग के पास एक साल का एक्सपीरियंस प्लस स्विमिंग की नॉलेज आप लोग की होनी चाहिए, तब भी आप लोग पीएसएफ सब इंस्पेक्टर हेड कांस्टेबल और सिटी क्रू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यही वैकेंसी है जो इस वक्त धमाकेदार चल रही है और इसकी जो लास्ट डेट है वो आप लोग की 30 मार्च, जी हाँ 30 मार्च इसकी लास्ट डेट है और 317 इसमें पोस्ट है। तो आप लोग ने अभी इसके लिए अप्लाई नहीं किया है तो इसके लिए अप्लाई कीजिए, अप्लाई के लिए अभी टाइम बहुत ही कम रह गया है। और इसके बाद जो न्यू वैकेंसी है वो आप लोग की सशस्त्र सीमा बल, जी हाँ एसएसबी में आप लोग की जो असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी निकली हुई है, 10 पोस्ट इसमें आप लोग के निकले हुए हैं जिसकी की ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं। जी हाँ, इसके ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं। इसके लिए आप लोगों के पास डिग्री या फिर एमएससी होनी जरूरी है। जी हाँ, डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, आप लोग देख लेंगे। और इसके अलावा एमएससी आईटीसीएस और इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में है, ठीक है, इसकी पूरी डिटेल मैंने दे रखी है, वीडियो बनाया हुआ, उस पर वीडियो पे क्लिक करके आप लोग इसे देख लेंगे। और इसके बाद जो न्यू वैकेंसी है जो इस वक्त चल रही है, ठीक है, वो है आप लोगों की बिहार पुलिस स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जी हाँ एएसआई, स्टेनो एएसआई की आप लोग की वैकेंसी निकली हुई है जिसमें कि आप लोग ऑल ओवर इंडिया से आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 133 इसमें पोस्ट है, जी हाँ वैकेंसी बहुत ही अच्छी है और ओनली आप लोग 10+2 पास होने चाहिए तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, जी हाँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ओनली 10+2 पास होने चाहिए। लास्ट डेट जो है इसकी 30 मार्च है, तो यदि आप लोग को इसके बारे में नहीं पता तो आप लोग इसके बारे में जरूर अप्लाई कीजिए। इसके अंदर जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो है आप लोग का रिटन टेस्ट, जी हाँ रिटन टेस्ट के बाद आप लोग का जो फिजिकल होगा, ठीक है, फिजिकल पीटी पीएसटी जो भी होगा, उसके बाद जो है आप लोग का इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो यदि आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता तो इस वैकेंसी को जरूर देखिएगा। ऑल ओवर इंडिया से आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट यदि आप लोग अदर स्टेट से अप्लाई करते हैं तो आप लोग इसमें जनरल में काउंट होंगे, बस इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल ओवर इंडिया से आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ओनली और ओनली आप लोग 10+2 पास होने चाहिए। 18 से 25 साल इसमें एज है, जी हाँ 18 से 25 साल इसमें एज है, एज में रिलैक्सेशन मिलेगा जैसा कि एससी एसटी ओबीसी को मिलता है 3 से 5 साल, ठीक है, ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल इसमें छूट मिलेगी। और इसके अलावा मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग इस वैकेंसी को जरूर एक बार देखिए और यदि आप लोग भी 10+2 पास हैं तो आप लोग इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिए। इसके अलावा जो न्यू वैकेंसी चल रही है वो है आप लोग की असम पुलिस में कांस्टेबल फायरमैन, जी हाँ असम पुलिस में कांस्टेबल फायरमैन, जिसमें कि आप लोग की 1269 वैकेंसी निकली हुई, जी हाँ 1269 वैकेंसी निकली हुई, जिसके कि आप लोग 10+2 यानी कि 12th पास आप लोग इसमें होने चाहिए, ठीक है, मेल फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि आप लोगों ने भी इसके लिए अप्लाई नहीं किया तो जल्द से जल्द इसके लिए अप्लाई कीजिए। 15 मार्च जो है इसकी लास्ट डेट है, जी हाँ असम पुलिस में कांस्टेबल और फायरमैन की वैकेंसी निकली हुई है। इसके अलावा जो न्यू वैकेंसी है वो आप लोग की इंडियन कोस्ट गार्ड, जी हाँ इंडियन कोस्ट गार्ड में यांत्रिक की वैकेंसी है, 37 वैकेंसी है जिसके लिए की ऑनलाइन अप्लाई होंगे 16 से 22, जी हाँ 16 मार्च से 22 मार्च के बीच में आप लोग इसके ऑनलाइन अप्लाई होने वाले हैं। और इसमें जो है आप लोग की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए हुआ होनी चाहिए आप लोग की डिप्लोमा इन डिफरेंट फील्ड, जी हाँ। तो यदि आप लोगों ने भी डिप्लोमा कर रखा है तो आप लोग भी इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा, जो कि 16 मार्च से 22 मार्च के बीच में आप लोगों की होने वाली है। इंडियन कोस्ट गार्ड में यांत्रिक की वैकेंसी है, 37 वैकेंसी, जी हाँ। तो इसकी पूरी डिटेल में मैंने वीडियो बनाया हुआ, आप लोग उस पर क्लिक करके एक बार जरूर देख लीजिए। और जैसे इसके 16 तारीख से ऑनलाइन अप्लाई हो तो आप लोग इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। इसके अलावा जो न्यू वैकेंसी है जो इस वक्त चल रही है वो है आप लोगों की अंडमान निकोबार, जी हाँ अंडमान निकोबार में आप लोगों की फॉरेस्टर की वैकेंसी निकली हुई है, फॉरेस्टर की वैकेंसी निकली हुई, जी हाँ 62 वैकेंसी निकली हुई है। ऑल ओवर इंडिया से आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और जिसकी की लास्ट डेट है 22 मार्च, जी हाँ 22 मार्च बहुत ही नजदीक है। तो यदि आप लोगों को भी इस वैकेंसी के बारे में नहीं पता तो जरूर आप लोग इसके लिए अप्लाई कीजिए, यदि आप लोग फॉरेस्टर की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है, ऑल ओवर इंडिया से इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। एज जो है इसमें बहुत ही अच्छी है, 18 से 33 साल और 18 से 38 साल, जी हाँ मेल फीमेल इसमें दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, मेल के लिए 18 से 33 साल और फीमेल के लिए 18 से 38 साल, जी हाँ। तो ओनली और ओनली 10th पास, यदि आप लोग 10th पास हैं फॉरेस्टर की वैकेंसी अप्लाई करते हैं तो अंडमान निकोबार में जो 62 वैकेंसी निकली हुई आपके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, तो जरूर देखिएगा। इसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके देख लीजिएगा। ओनली और ओनली 10th पास आप होने चाहिए, ठीक। और इसके अलावा जो न्यू वैकेंसी है वो आप लोगों की कर्नाटक फॉरेस्ट गार्ड में, जी हाँ कर्नाटक फॉरेस्ट गार्ड में आप लोगों की 339 वैकेंसी निकली हुई है,
जिसके कि आप लोगों के अप्लाई होंगे 15 अप्रैल तक। जी हाँ, 15 अप्रैल तक अप्लाई होंगे, तो आप लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो आप लोग की क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए 12th पास। जी हाँ, 12th पास होनी चाहिए कर्नाटक फॉरेस्ट गार्ड में। बट मैं आप लोग को इसके बारे में बता दूं, ये स्टेट लेवल की जो वैकेंसी, स्टेट की वैकेंसी है, तो इसमें जो है कर्नाटक के ही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब जो बारी आती है वो आती है आप लोगों के जो मैसेज आ रहे हैं मेरे को कि सर ये वैकेंसियां हैं या नहीं है, फेक है, कैसी वैकेंसियां। जी हाँ, सबसे पहले जो मेरे को बहुत ज्यादा मैसेज आ रहे हैं वो है आप लोग के BRO, जी हाँ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में, जो बहुत से लड़के मैसेज कर रहे हैं कि सर इसका ऑफलाइन फॉर्म बता दीजिए, ऑफलाइन फॉर्म कैसे निकलेगा, कैसे फॉर्म भरना है। तो मैंने बहुत से बच्चों से कहा सर भाई कौन सा ऑफलाइन फॉर्म, कैसा ऑफलाइन फॉर्म, और कहां सी कैंस, कौन सी भर्ती। तो मैं आप लोगों को बता दूं ऐसी कोई अभी भर्ती नहीं निकली हुई है। जी हाँ, कोई अभी BRO में कोई भर्ती अभी नहीं निकली हुई है। इस मंथ तो कोई भर्ती आने वाली नहीं है। जी हाँ, इस मंथ और नेक्स्ट मंथ भी मुझे लगता है कोई वैकेंसी नहीं आने वाली। इसके बाद यदि कुछ डिपार्टमेंट कुछ डिसाइड करता है, किसी कुछ वैकेंसियां इकट्ठी होती है या फिर डिपार्टमेंट को जरूरत पड़ता है, उसके बाद अगर कुछ वैकेंसियां निकलती है, उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा। जी हाँ, BRO में भी कोई वैकेंसी नहीं चल रही है। BRO में जो अभी एक वैकेंसी लास्ट चली निकली थी वो थी आप लोग की 540 वैकेंसियां निकली हुई थी। जी हाँ, 540 वैकेंसियां निकली हुई थी मल्टी स्किल्ड वर्कर की। जी हाँ, जिसमें कि आप लोग के ड्राइवर इंजन मांगे गई थी, 540 वैकेंसियां थी उसके अंतर्गत। इसके बाद अभी तक कोई वैकेंसी नहीं निकली है, जिसकी की लास्ट डेट जो थी वो आई थिंक नवंबर समथिंग कुछ थी, ठीक है, नवंबर 2019 उसकी लास्ट डेट थी, 540 वैकेंसी थी। तो इसके अलावा अभी कोई वैकेंसी नहीं निकली है। उससे पहले भी एक वैकेंसी निकली हुई थी जो कि सितंबर में भरी गई थी, तो उसमें आप लोग की 337 वैकेंसी थी। उसमें भी आप लोग के मल्टी स्किल्ड वर्कर की जरूरत थी। जी हाँ, और इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन वगैरह की जरूरत थी, जिसमें कि आप लोग के मल्टी स्किल्ड वर्कर में आप लोग के वाटर कैरियर की और समथिंग किसी चीज की पोस्ट निकली हुई थी। जी हाँ, इसके अलावा कोई वैकेंसी। और उससे पहले एक वैकेंसी थी वो आप लोग की जुलाई 2019 में निकली हुई थी, वो वैकेंसी थी 700 कुछ वैकेंसियां थी। उसमें भी आप लोगों की जो मल्टी स्किल्ड वर्कर, इलेक्ट्रीशियन और आप लोग के ड्राफ्टमैन वगैरह की उसमें पोस्ट थी। जी हाँ, तो ये वैकेंसियां निकली थी। इसके अलावा अभी तक कोई वैकेंसी नहीं निकली है। जी हाँ, बट मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आप लोगों की वैकेंसी जुलाई में निकली हुई थी, जी हाँ, जो जुलाई में निकली हुई थी 778 जो पोस्ट थे आप लोगों के मल्टी स्किल्ड वर्कर की और इलेक्ट्रीशियन ड्राफ्टमैन वगैरह की जो पोस्ट निकली हुई थी, उसमें जो मल्टी स्किल्ड वर्कर कुक की वैकेंसी निकली थी। जी हाँ, कुक की जो पोस्ट थी उनके लिए जो है फेज 1 के जो है एडमिट कार्ड के लिए रिलीज कर दिया गया, एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया गया है, और उनकी जो लिस्ट निकाल दी गई है किन किन बच्चों को सेलेक्ट किया गया है, किन किन लोगों को एग्जाम देने। जी हाँ, तो आप लोगों के मई में जो है आप लोगों के एग्जाम होने वाले हैं, तो आप लोगों को उसकी डिटेल पता चल जाएगी जैसे ही आप लोग का एडमिट कार्ड आएगा आपके पास, ठीक है, तो आप लोग उसकी डिटेल पता चल जाएगी। बट उन्होंने लिस्ट निकाल दी, आप लोग देख सकते हैं किन किन बच्चों को सेलेक्ट किया गया फेज 1 के लिए। जी हाँ, कई फेसों में आप लोग के कई चरणों में एग्जाम होने वाले हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। तो फेज 1 का जो है लिस्ट निकाल दी गई है, उनके एडमिट कार्ड आप लोगों के पास आ जाएंगे, मल्टी स्किल्ड वर्कर जो कुक की वैकेंसी जो निकली हुई थी, तो आप लोग उसे देख सकते हैं। यदि आप लोगों ने उसे अप्लाई किया था जुलाई 2019 में, इसे अप्लाई किया गया था, एडवर्टाइजमेंट नंबर था आप लोगों का 1/2019। जी हाँ, यदि आप लोगों ने अप्लाई किया है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसके अलावा BRO में अभी कोई वैकेंसी नहीं है, अभी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और इसके अलावा कुछ कमेंट्स मेरे बहुत ज्यादा आते हैं, वो है BSF में जो वैकेंसी निकली हुई है। जी हाँ, BSF में 13,500 इस प्रकार के मैसेज आ रहे हैं। तो मैंने कहा भाई BSF ने अगर इतनी तादाद में वैकेंसी निकाली होती तो मैं तो सबका आप लोगों को उसका वीडियो बना के दे चुका होता, ऐसा कुछ नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं निकली हुई। जी हाँ, BSF में अभी कोई ऐसी 13,000 और 15,000 की कोई वैकेंसी नहीं निकली है। BSF में जो वैकेंसी निकली है वो वाटर कैरियर वाली है, ठीक है, वाटर कैरियर में जो सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल और सिटी क्रू की जो वैकेंसी चल रही है, सिर्फ और सिर्फ वही वैकेंसी चल रही है, वही वैकेंसी आप लोगों को दिखाई जा रही है बार बार, ठीक है। इसके अलावा कोई वैकेंसी नहीं है, 13,500 कोई वैकेंसी नहीं निकली है। तो फ्रेंड्स, कुल मिला के मैंने आप लोगों को इस बार कौन कौन से एडमिट कार्ड निकले हैं, कौन कौन से आप लोग के एग्जाम होने वाले हैं इस मंथ में, और इसके अलावा कौन सी वैकेंसियां इस वक्त करंट में चल रही हैं, आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और इसके अलावा कौन सी फेक वैकेंसियां हैं, कौन सी सही वैकेंसी है, सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने आप लोग को दे दिया है। फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीक उसके जवाब दे सकूं, और कोई न्यू वैकेंसी आती है तो उसके बारे में भी मैं आप लोगों को जानकारी दे सकूं।
तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीक न्यू डिफेंस न्यूज के साथ। ओके फ्रेंड, बट उससे पहले मैं आप लोगों से कह दूं कि यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाइएगा। ओके फ्रेंड, बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट।